हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी पैंट्स या चीनोज, आजकल बच्चे बहुत पहनते हैं, जब ये पुरानी हो जाती हैं या कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि इसमें यहाँ पे कट लग गया है, ये देखें, तो ऐसी जीन्स या पैंट्स को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें से प्लेन क्लॉथ से जितना भी निकल पाए निकाल लेंगे। हम सारी सीम्स को सीजर की मदद से कट कर लेंगे ऐसे। जितना इस पैंट में से प्लेन क्लॉथ निकल पाएगा मैं निकाल लूंगी। उस क्लॉथ के ऊपर हम फिर पैच वर्क करेंगे। ये देखें, ये सीम्स हैं, इनको मैं निकाल लूंगी। इसमें से जितना भी मेरे से प्लेन क्लॉथ निकल पाएगा, सबसे पहले हम क्लॉथ निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ पैच वर्क करके रनर्स या फिर साइड टेबल डेकोर्स कोई भी आइटम बना सकते हैं जो हमारे घर में यूजफुल हो सके। जितना भी क्लॉथ इस पैंट में से निकल जाए आपने वो सारा क्लॉथ कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम डिफरेंट शेप्स काट के उसके ऊपर पैच वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पैंट में से यूं चार पीसेस निकल आए हैं। अब हम इन पीसेस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है। इस पोर्शन में से ये देखिए, मैंने 10.5 बाय 10.5 इंच के एक पीस पे निशान लगा लिया है। अब सीजर की मदद से मैं इसे काट लूंगी। इसी तरीके से प्लेन क्लॉथ्स आप अपनी पुरानी शर्ट्स में से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं सब और बहुत अच्छा स्टफ यूज हुआ होता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत कट लग जाए या थोड़ा पुराना भी हो जाए तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। आप अब जैसे ये पैंट मैं यूज कर रही हूं, इसकी एक साइड थोड़ी, जो फ्रंट साइड है वो थोड़ी फेडेड है। ये इस पैंट की राइट साइड है, लेकिन फेडेड होने की वजह से मैं ये इसकी साइड जो है अंदर वाली उसको फ्रंट बना लूंगी। वैसे भी मैंने इसके ऊपर पैच वर्क ही करना है। देखिए, अब हमने स्क्वेयर पीसेस जो काटे हैं इनके ऊपर पैच वर्क करेंगे। पैच वर्क हम घर में बचे खुचे जितने भी हमारे कपड़े हैं छोटे छोटे से, ऐसे उनको हम हेफजेडली काट लेंगे। ये देखें, हमारे पुराने सूट्स होते हैं या नए सूट्स जब बनवाते हैं उनकी कुछ कटिंग्स होती हैं, ये पुरानी शर्ट्स हैं उनमें से मैंने पीसेस निकाले हुए हैं, ये देखें। तो ये सब पीसेस अब हम इसके ऊपर सिलते जाएंगे। तो इनको सिलने का भी एक ढंग है। हम सेंटर में पहले एक छोटा सा पीस रखेंगे और उसके चारों तरफ अब हम मशीनिंग करते जाएंगे। यूं हम उल्टी साइड को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने पीस सीधा रखा हुआ है, अब ये जो पीस है इसको हम उल्टा इसके ऊपर ऐसे यूं हल्का सा टेढ़ा रखेंगे और यूं यहां पे मशीनिंग कर देंगे। मशीनिंग करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और प्रेसिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पीस लेंगे। ऐसे ये पीस है, इसको भी हम ऐसे ही इसके ऊपर पैसे पहले उल्टा रखेंगे और सीधी साइड इसको ऐसे आराम से सीधा कर देंगे। बस इसी तरीके से हम इसके ऊपर पीसेस रखते जाएंगे और उनको स्टिच करते जाएंगे ऐसे ऐसे और ऐसे चारों तरफ, जब तक ये सारा स्पेस खत्म ना हो जाए तब तक हम इसके ऊपर सेंटर पीस हम ऐसे सिंपली रखेंगे, इसको कोई सीम्स नहीं लगाएंगे। और जो सेकंड हम क्लॉथ लगा रहे हैं उसको मैं हल्का सा टेढ़ा करके लगा रही हूं। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम साथ साथ ही ट्रिम कर लेंगे ताकि फिनिश्ड वे से हमारा प्रोजेक्ट बने। अब इसको हम यूं सीधा कर लेंगे, ये देखिए, अपने उंगली से यूं इसको प्रेस करेंगे और सीधा कर लेंगे। दो तीन पीस लगा के हम इसको प्रेसिंग भी साथ के साथ करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो बिल्कुल नीट आए। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इस तरफ पीस लगाएंगे। यहां भी मैं ऐसे बिल्कुल, ये जो साइड है हमारे क्लॉथ की उल्टी है, इस तरफ सीधी है, हम इसको ऐसे ही इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए, ये हमारा पीस जो है ये इतना लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा जो है हम वो उसको ट्रिम कर लेंगे। अब दोबारा से हम वैसे ही
स्ट्रेट स्टिचिंग, लाइंस जो हैं वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब फिर से हम सारे थ्रेड्स जो है वो ट्रिम कर लेंगे। अब इस पीस को भी हम यूं सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हम छोटे छोटे पीसेस लगाएंगे, बहुत बड़े पीसेस नहीं लगाएंगे, तभी सुंदर इफेक्ट आएगा। ये देखिए, इसकी भी हम सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ करेंगे। ये देखें, ये सीम है ना, इसके बिल्कुल साथ ऐसे। हम एक्स्ट्रा क्लॉथ जो हमें नहीं चाहिए उसको हम साथ के साथ ट्रिम भी करते जाएंगे। ये भी ध्यान रखें कि सीम्स आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपसे बिल्कुल स्ट्रेट सीम्स नहीं लगती तो आप स्केल की मदद से और मार्किंग चौक से पहले सीम्स भी लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर पीस को ज्वाइन करने के बाद मैं प्रेसिंग कर लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बस इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड जो है वो अंदर की तरफ है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि बल ना पड़े। बस यहां तक हमने इसको स्टिच करना है और स्टिच को एंड में जरूर पक्का कर लेना है। अब ये जो पीस लगाया है इसको हम यूं सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहां भी आपको स्पेस मिलती है। आपने इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपने फिर से यहां पे स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहां तक आप कर सकते हो, वहां तक आप इसको स्ट्रेट लाइन में स्टिचिंग कर लें। अब इसको भी यूं ही सीधा करेंगे। अब मैं इसको सारे पीसेस को एक बार फिर से प्रेसिंग कर लूंगी। बस इसी तरीके से यहां भी आपको स्पेस मिलती है, आपने पीसेस जोड़ते जाना है और कुछ इस तरह से आपकी मैट बन के रेडी हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उनको हमने बाहर से ट्रिम कर लिया है। हमारा जो नीचे वाला स्क्वेयर पीस है पूरा कवर हो गया है। अब हम इसको, ये देखें, मैंने हर पॉइंट पे ऐसे ही लगा के इनको बाहर की तरफ प्रेसिंग कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा जितने भी हमारे पीसेस हैं इनको हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी चारों साइड्स पे भी हम एक्स्ट्रा क्लॉथ्स को ट्रिम कर लेंगे। यूं एक्स्ट्रा क्लॉथ्स को निकालने के बाद हम ये जितने भी धागे दिख रहे हैं इनको भी हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे ताकि ये पीछे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। क्योंकि हम इसके नीचे एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं लगा रहे हैं इसलिए हमने इसको फिनिश वे से सारे थ्रेड्स को काट लेना है। ये देखिए, अब हम इसके चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच विड्थ की ये लंबी लंबी पट्टियां रेवदार काट ली हैं। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे और एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे ताकि हम इसके चारों तरफ पाइपिंग लगा सकें। रेवदार स्ट्रिप काटने के लिए हम यूं डायगोनल स्ट्रिप्स काटते हैं। ये देखें ऐसे, हम इसको पेन की मदद से या मार्किंग चौक की मदद से यूं निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच की विड्थ पे दोबारा निशान लगाएंगे और एक और लाइन लगाएंगे और उन दोनों स्ट्रिप्स को हम यूं तिरछा काट लेंगे। इसको रेवदार स्ट्रिप्स बोलते हैं जो कि पाइपिंग के काम आती हैं। अब मैं इन स्ट्रिप्स को यूं सिल लूंगी, आपस में ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इनको ज्वाइन करने का भी तरीका ऐसे है। इसको हम पहले तिरछा काटते हैं ऐसे और फिर राइट हैंड साइड दोनों अंदर की तरफ करके और उनको ऐसे सिलते हैं। यहां पे दो पॉइंट्स मिलते हैं, वहां से लेके और इस पॉइंट तक सीम लगाते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधी पट्टी बने। इसी तरीके से हम सारी पट्टियों को सिलकर और एक लंबी सी पाइपिंग क्रिएट कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिला और जब हम इसको यूं सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाइपिंग बन जाएगी। इसी तरीके से हम पूरी पाइपिंग बना लेंगे। यूं सारी पट्टियां सिलने के बाद एक्स्ट्रा क्लॉथ को हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ट्रिम करने के बाद हम ये दोनों सीम्स को
यूं अपार्ट कर देंगे, ऐसे खोल देंगे और यहां पे अच्छे से उंगली की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी पूरी पट्टी बनके रेडी होगी। अब इस पाइपिंग को हम उल्टी साइड से यूं अंदर की तरफ एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। इतना सा फोल्ड करेंगे और यूं इसको मशीन में एक पैर की मशीन चला लेंगे। अब इस पाइपिंग को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो हमने सीम लगाई है इसको अब हमने ऐसे उल्टा कर दिया है, ये सीधी तरफ है इसकी, तो हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। थोड़ा सा आगे रखेंगे ताकि हमने जब वापसी के इसको ज्वाइन करना है तो हमें थोड़ी सी स्पेस मिल सके। अब हमने एक पैर की सिलाई करते हुए इसके चारों तरफ हमने इस पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। अब एंड तक ले आए सीम को, एक पैर की सिलाई छोड़ दें बस, और उसके बाद इसको यूं बेंड करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये अब ऐसे भी यहां पे खुला बन जाएगा। इसको साथ में स्टिच नहीं करना है क्योंकि हमने इसको वापस दूसरी तरफ लेके जाना है। अब इस तरफ भी हमने ऐसे ही सिलाई करना है, सारे कॉर्नर्स हमने ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। एंड में हमारी जो स्टिचिंग लाइन है हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा था, इस गैप के पीछे कर लेना है और इसको हमने यहां तक इस पॉइंट तक सिल लिया। अब हम इन सभी कॉर्नर्स को ट्रिम कर लेंगे, सीम को नहीं काटेंगे, सिर्फ कॉर्नर यूं ट्रिम कर लेंगे, सभी कॉर्नर्स हम ट्रिम कर लेंगे। ये जो फोर्थ साइड है इसमें हमने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा था कपड़ा, अब इन दोनों कपड़ों को हम आपस में यूं स्टिच कर लेंगे ऐसे। इसको स्टिच कर लिया है, अब यहां पे भी हमारा एक कॉर्नर बन गया है। अब हम ये जो हमारी पाइपिंग लगी है इसको हम एक जैसी पाइपिंग बाहर निकालते हुए सिंपली यहां पे एक सीम लगा देंगे ऐसे। ये देखिए चारों तरफ हम ऐसे ही, क्योंकि इस तरफ से हमने पहले ही सिलाई कर रखी है, ये फिनिश्ड है और हम अब इसको यूं फोल्ड करके, आप चाहें तो पहले पिनअप भी कर सकते हैं या कच्चा कर सकते हैं, उसके बाद आप मशीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने चारों तरफ एक जैसी पाइपिंग निकालनी है, दोनों सीम्स के बीच में हमने स्टिचिंग लाइन लगानी है। बड़े आराम से आपने ये वर्क करना है ताकि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। ये देखिए एक जैसी पाइपिंग निकालते हुए दोनों सीम के सेंटर में आपने स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद ये हमारा मैट कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। ये देखें पीछे से भी ये बहुत फिनिश्ड है, आप चाहें तो पीछे एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बैक साइड टेबल मैट्स बना रहे हैं या आप डाइनिंग टेबल मैट्स बना रहे हैं तो नीचे क्लॉथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। मैंने एक और मैट बना रखा है सेम इसी तरीके का, के चारों तरफ भी मैं पाइपिंग लगा लूंगी और मेरा ये एक पेयर ऑफ मैट्स तैयार हो जाएगा। हम इस मेथड से कुशन सेंटर पीसेस भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल रनर्स भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी बना सकते हैं, इवन बेड साइड पे रखने के लिए हम पेग टेबल मैट्स भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बनाना बहुत इजी है, क्योंकि हम घर के बचे कुचे कपड़ों में को ही यूज करके बना रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस मैट को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।